वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जिंस बाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम शिमला डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स जो है वो कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल जो है वो कवर किए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो हिमाचल जीके का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको एचपी जीके की हमने अभी तक की जितनी वीडियोस बनाई हैं वो सब मिल जाएंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो है तारा देवी टेम्पल। तो तारा देवी टेम्पल जो है ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और इसे किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था राजा बलवीर सेन ने, जो कहाँ के राजा थे, क्योंथल के राजा थे, तो उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था। नेक्स्ट है आपका भीमा काली टेम्पल। तो भीमा काली टेम्पल जो है ये सराहन में है, और सराहन जिसे पहले सोनितपुर के नाम से जाना जाता था, और इसका जो एक कोना है वो क्या हुआ, नीचे की तरफ को जो है वो झुका हुआ है, भीमा काली टेम्पल जो है शिमला में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मारीच हवन कुंड। सो मारीच हवन कुंड जो है, मारीच जो देवता थे, इनका जो टेम्पल है वो कहाँ पे है, कुमार सेन में एक जगह है धोलासेरी, तो वहाँ पे आपका टेम्पल पड़ता है। और ये हवन कुंड जो है वो यूनिक है, क्योंकि जो हवन कुंड वहाँ पे बनाया गया है उसकी शेप कैसी है, पंचमुख की तरह है, तो वो पंचमुखा है जो है उसकी शेप है, तो ये एक यूनिक हवन कुंड जो है वो है वहाँ पे। उसके बाद ये जो टेम्पल था ये 900 सालों के बाद जो है वो ओपन किया गया है 22 फेब 2005। तो 22 फेब्रवरी 2005 में इस टेम्पल को 900 साल के बाद जो है वो ओपन किया गया था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हाटकोली टेम्पल। सो हाटकोली टेम्पल जो है ये आपका रोहड़ू में पड़ता है, और यहाँ पे महिषासुरमर्दिनी जो है उनकी जो है वो मेटल की एक मूर्ति जो है वो इस टेम्पल में रखी गई है। नेक्स्ट है आपके पास जाखू टेम्पल। तो जाखू टेम्पल सभी को पता है, बहुत फेमस है ये शिमला में, रिद्ध जो है आपका वहाँ से भी ये दिखाई देती है, टेम्पल जो मूर्ति है हनुमान जी की वो दिखाई देती है। सो ये जो टेम्पल है आपका, ये लॉर्ड हनुमान जो है उन्हें डेडिकेटेड है, और जो मूर्ति है वहाँ पे हनुमान जी की वो है 108 फुट की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है कामना देवी टेम्पल। तो कामना देवी टेम्पल जो है ये कहाँ पे है, बालूगंज में है, जो आपका प्रॉस्पेक्ट हिल है वहाँ पे है ये। नेक्स्ट जो आपका आता है वो है कालीवारी टेम्पल। सो कालीवारी टेम्पल जो है ये टेम्पल डेडिकेटेड है काली माता को, जिन्हें श्यामला देवी जो है वो कहा जाता है, तो शिमला जो है वो इन्हीं देवी के नाम जो पे जो है वो नाम जो है वो शिमला का पड़ा है, श्यामला देवी, ठीक है। तो श्यामला देवी जो गॉडेस हैं उनके नाम पे शिमला का नाम जो है वो शिमला पड़ा हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे कालीवारी टेम्पल कहाँ पे है, शिमला में है। और जो काली माता है उन्हें श्यामला देवी भी, जो शिमला की लोकल लैंग्वेज में उन्हें श्यामला देवी कहा गया है, तो इसी के नाम पे फिर शिमला का नाम शिमला पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सूर्या टेम्पल। सो सूर्या टेम्पल जो है ये शिखर स्टाइल का है, और ये शिमला के नीरथ में लोकेटेड है, और इसे जो है वो सन टेम्पल ऑफ एचपी भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे सूर्य टेम्पल जो है ये इसे क्या कहा जाता है, सन टेम्पल ऑफ एचपी। फिर आपके पास आता है संकट मोचन टेम्पल। तो संकट मोचन टेम्पल जो है आपका, जिसे 1926 ईस्वी में बनवाया था बाबा नीम करोरी ने, जो नैनीताल के थे, तो उन्होंने 1926 ईस्वी में इस टेम्पल को बनवाया था। कहाँ पे है ये, तो शिमला के तारा देवी में है, जहाँ पे तारा देवी जो है टेम्पल भी है आपका, जो जगह है वहाँ का नाम है तारा देवी, तो सेम यहाँ पे है आपका, कहाँ पे है, तारा देवी में लोकेटेड है ये। फिर आपके पास आता है हटेश्वरी टेम्पल। हटेश्वरी टेम्पल जो है इसका जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर है उसका जो है वो कैसा है, स्तूपा स्टाइल का है, और ये जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका हाटकली में जो है वो लोकेटेड है शिमला में। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपका, वो है आपके पास टेम्पल्स इन हमीरपुर।
हमीरपुर में आपके पास जो जो टेम्पल हैं वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है गौरी शंकर टेम्पल। गौरी शंकर टेम्पल जो है वो आपका सुजानपुर टीहरा में है और इसे जो है वो राजा संसार चंद ने बनवाया था 1793 में, ठीक है। फिर आपके पास आता है मुरली मनोहर टेम्पल। मुरली मनोहर टेम्पल जो है ये भी सुजान टीहरा में है, इसे भी राजा संसार चंद ने बनाया था 1790 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नरवादेश्वर टेम्पल। नरवादेश्वर टेम्पल जो है ये भी आपका सुजानपुर टीहरा में है और इसे जो है वो किसने बनवाया था, संसार चंद की जो वाइफ थी उन्होंने इसे बनवाया था। फिर आपके पास आता है गशोता महादेव टेम्पल, ये भी हमीरपुर में है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ टेम्पल काफी प्रसिद्ध है, देवसिद में आपका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चामुंडा टेम्पल। तो चामुंडा टेम्पल जो है आपका सुजानपुर टीहरा में है और एक चामुंडा देवी टेम्पल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ता है। फिर आपके पास है इसमें कि इसे बनवाया किसने था, तो राजा घुमंद चंद जो थे उन्होंने इसे बनवाया था 1761 में, ठीक है। फिर आपके पास आता है विल कालेश्वर टेम्पल। तो विल कालेश्वर टेम्पल जो है ये भी आपका पड़ता है हमीरपुर में। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।